बुलंदशहर से ऋषु कुमार की रिपोर्ट। 11,000 विद्युत लाइन का तार गिरने से गाय की मौत। लगभग 20 घंटे बीत जाने के बावजूद भी विद्युत सप्लाई नहीं हुई शुरू। विद्युत आपूर्ति बंद होने से नगर के लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। 11,000 की विद्युत लाइन का एक तार टूटकर गिरने से एक गाय की दर्दनाक मौत हो गई। अन्य कई पशु लाइन की चपेट में आकर झुलस गए। मामला शिकारपुर नगर के मोहल्ला मुफ्ती बाड़ा में बीती रात्रि 11,000 की विद्युत लाइन का एक तार टूटकर गिर गया। विद्युत तार की चपेट में आकर एक गाय की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई तथा अन्य कई पशु गंभीर रूप से झुलस गए, जिसके चलते पशु पालकों ने जमकर हंगामा काटा और लगभग 20 घंटे तक बिजली की लाइन नहीं जोड़ने दी, के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हादसे की सूचना मिलते ही शिकारपुर एसडीओ विद्युत विभाग सोमदत्त सोलंकी, नगर जे इंद्र सिंह, नगर पालिका चेयरमैन फूलवती राणा, तहसीलदार राजकुमार भास्कर व अशोक शर्मा, एसआई सत्येंद्र कुमार भारी पुलिस फोर्स को लेकर मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। पशु पालकों का कहना है इस लाइन के चलते इससे पहले भी कई बड़े बड़े हादसे हुए हैं। शिकायत करने के बावजूद भी विद्युत विभाग ने इस मामले को कभी गंभीरता से नहीं लिया, जिसका खामियाजा हम पशु पालकों को उठाना पड़ रहा है। पशु पालकों ने शासन प्रशासन से मृतक गाय का मुआवजा दिलाने की मांग की है। समाचार लिखे जाने तक मोहल्ले में बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से शुरू नहीं हो सकी है। जी, इंसुलेटर जो है डैमेज हो गया, पंचर हो गया, जिस वजह से वहां से तार टूट गया जी। और तार टूट करके जो है जहां ये लाइन के नीचे जो है पशु बदल था जी, उसके ऊपर जो है गिर गया, जिस वजह से वो पशु की मृत्यु हो चुकी है जी। और लाइन को जो है फिलहाल जो है चालू करने का प्रयास किया जा रहा है जी। जो भी तकनीकी खामियां है उसे दूर करने के पश्चात जी। तो जैसा कि का प्रावधान है इसका जी, विभागीय नियमानुसार जो है इसकी विद्युत सुरक्षा निदेशालय से जांच की जाती है जी। और उसके उपरांत जो है मुआवजा दिया जाता है। मैं चाहता हूँ कि इसका आरोप का इस मात्र से ही खंडन किया जा सकता है कि आप मुझे 12 बजे एट टाइम जो है मैं जागरा व चुंगी पे नंबर 2 जो फीडर बनता उसको चालू कराने के लिए मैं खुद मौके पे खड़ा था। बाकी ऐसी कोई बातें नहीं है कि देर से होना ना होना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं मौके इसलिए मैं कि इस चीज़ को नहीं कह सकता कि देरी होती है किसी भी कार्य को करने में। सद्य है अभी देर शाम तक या 1-2 घंटे के अंदर भी सप्लाई चालू हो सकती है। इनकी ये है कि थोड़ा सा हमारे सभी स्टेशन पे एक तो पुरानी VCB है जिसकी वजह से बार बार फॉल्ट होते हैं, तो उस वजह से काफ़ी समस्या आती रहती है। अक्सर हफ्ते में 1-2 दिन के लिए पूरी सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसके लिए भी एस्टीमेट वगैरह दे दिया गया है। उसका भी रिपेयर करने का या नया करने का जो भी उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार है अभी वो प्रक्रिया चल रही है। ये हुआ था, हमने अपने चारा खिलाकर गाय को बाहर बांधी थी जी, एकदम वहाँ पर तार टूट गया उसके ऊपर गिर गया जी। उस टाइम पर ही तुरंत गाय की मौत हो गई जी। और उसके बाद में गाय की मौत हो गई, उसके बाद में भैंसों को एकदम करंट उतरा तो बाकी भैंस भी चपेट में आ गई उसके जी। उसके चपेट में आने के बाद में एकदम फिर लाइट भगवा दी, हमने फोन वोन करके लाइट भगवा दी। यहाँ पर बाकी टीम आई थी, उसको गाय को उठाकर ले गई नगर पालिका की टीम, दफना दी है, लेकिन अभी तक हमें कुछ नहीं हुआ उसका। जैसा भी दे रही थी इस टाइम पर जी, 7 महीने की गावन थी और दूध भी दे रही थी, 8-9 लीटर दूध भी था उसके लिए। कुछ नहीं कह रहे वो, यूँ कह रहे देखेंगे, अभी कोई भी नहीं आया देखने के लिए। जी 7 हैं लेकिन अभी तो हमें कुछ भी नहीं मिल पाया ना। आश्वासन करना चाहती हैं जो हमारी भैंस इस टाइम पर निहार भी नहीं खा रही हैं, जो चपेट माई हैं उनको देखें आके, और उसके बाद में जो हमारी गाय के साथ में घटना घटी उसको मुआवजा दें हमें। यहीं पर बनती थी हमारी प्लॉट हैं, आगे घेर है, घेर के आगे प्लॉट हैं, वहीं पर ढोर बनती है सब बाहर, जैसे कच्चे में बांध देती हैं बाहर।